तो इस प्रोग्राम में हम सीखेंगे कि किसी इंटीजर टाइप के नंबर को कैसे चेक करें कि ये नंबर इवन है या ऑड है। तो उसके लिए हम सिंपली इंट टाइप के वेरिएबल में, इंट नम टाइप के वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन कर लेंगे। उसके बाद अब हम नम टाइप के वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन है उसे हम चेक करेंगे कि क्या ये नम नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन की गई है ये इवेन है ऑड है। तो उसे हम कैसे चेक करेंगे, इसे हम 2 से डिवाइड करके यदि हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो ये जो वैल्यू असाइन है ये सम होगी, यदि 1 आता है तो ये ऑड होगा। तो उसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे, इफ नम को मॉडुलस करेंगे 2 से इक्वल टू 0। यदि हम नम नाम के वेरिएबल को 2 से डिवाइड कर दिया, इसमें जो वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड किया दिया, उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है तो नंबर इवन होगा, यदि 1 आता है तो ऑड होगा। तो इसके लिए जब 0 आएगा इफ में तो क्या होगा, प्रिंट करा देंगे मैसेज नंबर इज इवन इवन, अन्यथा इल्स में। नंबर इज ऑड। स्क्रीन को होल्ड करने के लिए टोल डॉट रीड लाइन। सिंपली हमने क्या किया कि सबसे पहले इंट नाम के वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दिया 19, उसके बाद इस नम नाम के वेरिएबल को मॉडुलस किया 2 से, उसके बाद रिमाइंडर देख चेक कराते हैं कि मॉडुलस करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है या 1। यदि 0 आएगा तो वो हमारी ये हमारा वैल्यू जो है वो इवेन होगा, यदि 1 आएगा तो वो ऑड होगा। तो इसको हम रन कराएंगे, नंबर इज ऑड। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो 19 असाइन है तो इसीलिए नंबर इज ऑड। अब हम इसे 20 वैल्यू असाइन करके देखेंगे, डिबग कराएंगे, नंबर इज इवेन। 20 पे आया, नंबर इज इवेन,